एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम अपनी स्किन को रिलेटेड क्या गलतियां करते हैं जिससे कि हमारी स्किन डली और बेकार हो जाती है। हम काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ करते हैं, स्किन को लेकर हर कोई सेंसिटिव होता है, लेकिन हम क्या गलतियाँ करते हैं ऐसी जिसकी वजह से हमारी स्किन और भी ज़्यादा बेकार हो जाती है, पहले से पिगमेंटेड हो जाती है। सो स्टार्ट। फर्स्टली मैं बात करूंगी गाइस स्क्रब की। मैं ये नहीं कहती आप स्क्रब यूज़ ना करें, स्क्रब हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है गाइस। ये हमारी डेड स्किन होती है उसको रिमूव करता है, ठीक है। हमारी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी तो हमारी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी। सो गाइस, अगर आप इसका एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए ऑब्वियसली नुकसानदायक ही होगा, लेकिन अगर आपका तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं तो ये बेनिफिशियल ही होता है। जैसे कि गाइस, ये ड्राई स्किन के लिए, ड्राई स्किन अगर आपकी है तो आप इसको, मतलब आपकी नॉर्मल स्किन है आपकी, तो आप इसको 3 हफ्ते में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको 5 हफ्ते में 5 बार भी यूज़ कर सकते हैं, 4 to 5 बार टाइम आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। एंड नेक्स्टली, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है जैसे कि मेरी है, तो आपको जल्दी पिंपल होते हैं, रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं, पैची हो जाती है आपकी स्किन, तो आप इसको 1 हफ्ते में 1 बार यूज़ करें। अगर एक बार भी आपको इसका रिजल्ट सही नहीं आता तो आप इसको ना करें, स्क्रब यूज़ करना आप इसको स्किप करें, ये आपके लिए बेटर है। नेक्स्टली बात करेंगे गाइस हम क्ले मास्क की। क्ले मास्क जो होते हैं गाइस, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको तरीके से यूज़ नहीं करते हैं, गलत स्किन टाइप में यूज़ करते हैं, तो आपके लिए बहुत नुकसानदायक भी हो सकते हैं गाइस। क्ले मास्क हमारी जो स्किन में ब्लैमिशेज होते हैं, रेडनेस होती है, उसको रिड्यूस करते हैं। लेकिन जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ठीक है, सेंसिटिव है, तो आप रोज़ क्ले का यूज़ करें, इससे आपकी स्किन हाइड्रेट भी रहेगी और स्मूथ भी रहेगी। और गाइस, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप क्या कर सकते हैं, फ्रेंच ग्रीन लीव्स क्ले मास्क का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या है गाइस, आपकी जो स्किन है वो स्किन में जो भी ऑयल होगा ये इसको ऑब्जर्व कर लेगा। नेक्स्टली हम बात करेंगे गाइस उन फूड आइटम्स की जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, हमारी स्किन को अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी ब्रोकली के बारे में। गाइस, जो ब्रोकली होती है ये हमारी स्किन पर जो भी रेडनेस होती है, ठीक है, जो भी हमारी स्किन पर मेनली जो स्वेलिंग होती है, ठीक है, जो स्वेलिंग होती है जो आंखों के नीचे आती है हमेशा फेस पर, तो जो स्वेलिंग होती है उसको ही रिड्यूस करते हैं। एंड नेक्स्टली, ये जो सन टैन के कारण हमारी स्किन पर रेडनेस हो जाती है उसको भी रिमूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज टमाटो गाइस। टमाटो क्या होता है गाइस, टमाटो हमारी स्किन में जो फेशियल की तरह यूज़ होते हैं, मतलब टैनिंग हटाने के लिए, इसको क्लींजनर की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन ये खाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है गाइस, हमारी सन्स के कारण, ठीक है। जो हम बाहर जाते हैं तो हमारी जो फेस पर, बॉडी पर जहाँ भी टैनिंग हो जाती है, ये उसको इंटरनली हमारे अंदर जो पार्ट है उनसे क्लीन करता है गाइस, और हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। नेक्स्ट वन इज डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट गाइस खाने में भी बहुत अच्छी होती है, एंड इसके जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। डार्क चॉकलेट से गाइस जो हमारी स्किन में जो थिकनेस होती है ये उसको, मतलब प्रोड्यूस करते हैं हमारी स्किन में, ये थिकनेस लाते हैं, एंड ये सनस्क्रीन की तरह भी बहुत अच्छे यूज़ होते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट गाइस हाइजीन से रिलेटेड है। सो जैसे कि आप समझ ही गए होंगे मैं स्किन से रिलेटेड बात कर रही हूँ। तो गाइस, हमें कभी भी गंदे पिलो कवर जो होते हैं उनको हमेशा नीट, मतलब गंदे पिलो कवर पर हमें लेटना नहीं चाहिए, ठीक है। हमारे जो स्किन है उसको वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। पिलो पर जितने भी डर्ट पॉल्यूशन होगी वो डायरेक्टली हमारी स्किन पर होगी, और जो हमारी स्किन है वो रात में सबसे ज़्यादा प्रिपेयर होती है, तो प्रिपेयर क्या होगी, वो हमारी स्किन और ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगी और ज़्यादा डली हो जाएगी अगर उसमें पॉल्यूशन आएगा तो। एंड नेक्स्टली, तो हमें क्या करना चाहिए गाइस, मैं पहले ये क्लियर कर देती हूँ पॉइंट, हमें क्या करना चाहिए गाइस, हमें हमारे पिलो को मैक्सिमम 2 दिन के अंदर तो धोना चाहिए। एंड नेक्स्टली जो है, जो हमारी टॉवल्स हैं, ठीक है, हमें हमारी जो बॉडी टॉवल्स होती है उनको अलग रखना चाहिए, और जो फेस टॉवल है उसको अलग रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि बॉडी का जो भी हमारी डर्ट पॉल्यूशन है वो हमारे फेस पर ना जाए, एंड जो फेस की डर्ट पॉल्यूशन है वो हमारी बॉडी पर ना जाए, तो हमें दोनों फेस टॉवल को एंड बॉडी टॉवल को दोनों को अलग। इन दिस लास्ट पॉइंट आई विल टेल यू कि आपके जो हेयर्स हैं वो भी आपकी स्किन से रिलेटेड होते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो हेयर्स हैं उसमें आप सीरम, शैम्पू, ऑयल, पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप सोते हैं, आप ओपन हेयर में सोते हैं, तो आपकी स्किन जो है वो आपके जरूर, मतलब हेयर से टच होती है, तो आपके जो ऑयल में सीरम है, ऑयल है, वो सब कुछ आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है, आपकी स्किन के पोर्स में वो डीपली घुस जाता है बिल्कुल। एंड आपकी जो स्किन में जो ब्लेंडर होता है उसके बाद वो आप देख सकते हैं। मतलब आपको हमेशा अपने हेयर्स को टाई करके सोना चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं होते इसको टाई करने में, तो आप बहुत ही हल्का सा बन बना सकते हैं, सिल्क के रबर बैंड यूज़ कर सकते हैं, स्कार्फ यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, ये थे मेरे कुछ टिप्स स्किन को लेकर। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।